बहुत सारे भाइयों का हमारे पास कमेंट आता है कि भाई CA20 एम्पलीफायर के ऊपर एक वीडियो बनाओ। CA20 एम्पलीफायर कैसा है, क्या हमें CA20 एम्पलीफायर को लेना चाहिए, इन सब क्वेश्चन लेकर काफ़ी सारे कमेंट्स हमारे पास आए और इसी वजह से फाइनली हम लेके आ चुके हैं CA20 एम्पलीफायर के ऊपर ये वाला वीडियो। जानेंगे इस वीडियो में CA20 एम्पलीफायर कैसा है, क्या हमें लेना चाहिए, साथ ही CA20 एम्पलीफायर का प्राइस कितना है और CA20 एम्पलीफायर में कितना लोड चल सकता है, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ दिनों से हमारे चैनल पर लगातार वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, गला पूरा बैठ चुका है, इस वजह से आवाज़ अब भी थोड़ा थोड़ा ख़राब ही है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। CA20 जो कि साउंड स्टैंडर्ड के CA सीरीज के एम्पलीफायरों में से एक है, ये CA सीरीज का सबसे हैवी मॉडल है जिसका मॉडल नंबर है CA20। साउंड स्टैंडर्ड की ओर से ये आता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का आगे का लुक कुछ इस प्रकार से बड़े बड़े अक्षरों पर लिखाया गया है CA20, और आगे के साइड हमको देखने को मिलता है दो मास्टर वॉल्यूम, और साथ में इसमें इंडिकेटर में आपको LED इंडिकेटर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा बात है। इस एम्पलीफायर का खास बात यह है कि ये एक H क्लास प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर है जो कि हमें हाई क्वालिटी साउंड प्रोवाइड करता है, और इस एम्पलीफायर के आगे में हमको देखने को मिलता है इसका पावर स्विच, और दोनों साइड हमको देखने को मिलता है दो जाली जो कि एयर वेंटिलेशन के लिए लगाया गया है, जाली हमारा काफ़ी मौजूद दिया गया है। अब चलते हैं एम्पलीफायर के पीछे के साइड, और इस एम्पलीफायर के पीछे के साइड हमको देखने को मिलता है दो हाई पावर फैन। फैन के आगे स्पॉन्ज का इस्तेमाल किया गया है जो कि काफ़ी अच्छा बात है, ये धूल को अंदर नहीं जाने देता है, और इसमें लिखा गया है कि 30 दिन के अंदर अंदर आप इस जाली को एक बार ज़रूर से साफ़ कर लें जिससे एम्पलीफायर के अंदर के पार्ट सुरक्षित रहे। एम्पलीफायर के अंदर के पार्ट जितने साफ़ रहेंगे एम्पलीफायर का लाइफ उतने लंबे समय तक चलता रहेगा। और इस एम्पलीफायर के पीछे के साइड हमको देखने को मिलता है दो इनपुट सेक्शन चैनल 1 और चैनल 2 के लिए, और इस एम्पलीफायर के साथ हमें लिंक आउटपुट भी देखने को मिलता है चैनल 1 और चैनल 2 के लिए, और साथ में हमको देखने को मिलता है 5 स्विच। सबसे नीचा वाला जो स्विच है वो लिमिटर का स्विच है, ये एम्पलीफायर को प्रोटेक्ट करता है और एम्पलीफायर को ख़राब होने से बचाता है। और मिडिल वाला दो स्विच हाई पास और लो पास का स्विच है जिसमें हम लो पास या फिर हाई पास दोनों पे इसको ऑपरेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप बेस चलाना चाहते हैं तो लो पास स्विच को आप ऑन करेंगे, या फिर अगर आप टॉप चलाना चाहते हैं मिड चाहिए आपको तो आप हाई पास फिल्टर को ऑन करेंगे। इनको ऑन करने से आपको अपने हिसाब से आवाज़ देखने को मिलता है। और ये इसके ऊपर में दो स्विच है, ये दोनों स्विच काफ़ी काम के स्विच है। पहला जो है वो सेंसिटिविटी का स्विच है जिसमें हम अपने हिसाब से इसको सेंसिटिविटी को एडजस्ट कर सकते हैं, और दूसरे स्विच की मदद से स्टीरियो पैरेलल या फिर ब्रिज मोड पे आप इस एम्पलीफायर को ऑपरेट कर सकते हैं। और लेफ्ट के साइड में हमको देखने को मिलता है इसका आउटपुट सेक्शन, आउटपुट में हम AUX या फिर बोल्ड के दोनों के साथ ऐसा हम इसमें आउटपुट ले सकते हैं। ब्रिज मोड के लिए आप हमेशा बोल्ड का ही इस्तेमाल करें, और साथ में हमें देखने को मिलता है एक फ्यूज। अब बात करेंगे इस एम्पलीफायर के लोड कैपेसिटी की। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी कितना लोड रिकमेंडेड करता है इस एम्पलीफायर के ऊपर, उसके बाद फिर हम बताने वाले हैं कि हम इस एम्पलीफायर के ऊपर कितना लोड चला लेते हैं। कंपनी रिकमेंडेड करता है कि इस एम्पलीफायर के ऊपर आप 8 ओम पे 1350 वाट तक आप इस एम्पलीफायर पे लोड चला सकते हो पर चैनल के हिसाब से। वही अगर 4 ओम की बात करें तो 4 ओम पे आप इस पर 2700 वाट तक आप इस पर लोड चला सकते हो पर चैनल के हिसाब से। और वही अगर ब्रिज मोड 4 ओम की बात करें तो 4 ओम पर आप इस एम्पलीफायर को 5400 वाट तक आप इसमें लार्ज चला सकते हो, कंपनी रिकमेंडेड करता है 5400 वाट तक। अब बात करते हैं हम इस एम्पलीफायर में कितना लोड चला देते हैं। हम इस एम्पलीफायर में 1500 वाट करके 4 टॉप चला लेते हैं, इस एम्पलीफायर में कोई हमको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। एम्पलीफायर इस लोड में काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, एम्पलीफायर चल जाता है इस लोड पर काफ़ी अच्छे से, आप भी इतना तक आप इसमें लोड चला सकते हैं। साउंड स्टैंडर्ड CA20 काफ़ी हैवी एम्पलीफायर है जिसका वेट 42 kg लगभग होता है। आप इस एम्पलीफायर की मदद से बेस या फिर टॉप दोनों का ही आप इस एम्पलीफायर की मदद से ऑपरेट कर सकेंगे। इसमें बेस का क्वालिटी भी हमको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, और इसका जो साउंड क्वालिटी वो काफ़ी अच्छा आता है। बात करें इस एम्पलीफायर की प्राइस की तो इस एम्पलीफायर का मार्केट प्राइस लगभग 40,000 से लेकर 42,000 रुपये के आसपास में पड़ जाएगा। एम्पलीफायर जगह के हिसाब से थोड़ा प्राइस कम ज़्यादा हो सकता है, बाकी अगर आप चाहें तो आप इस एम्पलीफायर को परचेज कर सकते हैं, पर इस एम्पलीफायर को आप इसका ओरिजिनल ही परचेज करें क्योंकि मार्केट में इसका बहुत सारा
डुप्लिकेट एम्पलीफायर निकल चुका है। और आशा करता हूँ कि आपको हमारे इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह के डीजे से रिलेटेड हर एक प्रकार के नॉलेज वाले वीडियो लेके आते रहते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।